युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 7 मार्च 2020 दिन शनिवार, फागुन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज द्वादशी तिथि सुबह 9:28 तक रहेगी और उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से लेकर 12:55 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:30 से लेकर सुबह 11:00 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण आप परेशान रह सकते हैं। आज अपने लाइफ पार्टनर का तिरस्कार करना आपके रिश्तों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा, इसलिए अपनी जुबान पर भी काबू रखें। आज वर्क प्लेस पर हालात आपके अनुकूल रहेंगे और अपने सहकर्मियों की सहायता से आप अपने सभी काम को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। आज आपको प्रमोशन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स भी आज पूर्ण जोश और उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे। यदि आज आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर गौदान करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनी शशि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री। मकर राशि वालों, अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप पर कर्ज का बोझ चढ़ता जा रहा है और आप ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं तो आज इस उपाय करने से निश्चित तौर पर आपका ऋण धीरे धीरे चुकने लगेगा, आप पर कर्ज का बोझ उतरता चला जाएगा और आप अपना जीवन आराम से व्यापन कर पाएंगे। आज आप प्रातःकाल उठकर इस मंत्र का एक माला जप करें, गम ऋण हरताय नमः। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं,
गम ऋण हरताय नमः। यदि आप इस उपाय को लगातार 43 दिन तक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ऋण धीरे धीरे चुकने लगेगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। नाम वरुण घोष है, हम कलकत्ता से दिल्ली में आया था, बहुत दिन कुछ इधर उधर बहुत मंदिर के पास गया था, कुछ काम नहीं हुआ, फिर अचानक इधर एक राजेंद्र प्लेस में गुरु जी का बैनर देख के हम इधर आया था। फिर हम नाक पहना है, पहनने के बाद हमको पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और लोगों को भी हम बोलना चाहता है जे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम गुरु जी के पास आइए, गुरु जी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।